कितना मुश्किल है बीइंग एन एम्बिशियस वुमन. एम्बिशन तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है. इफ आई वुड थैंक माय मदर फॉर वन थिंग दैट शी गेव मी इट्स एम्बिशन. यूनिवर्स आपको वही सब देता है जो आपके दिमाग में चल रहा है. इज इट रियली ट्रू? दैट इज द जॉय ऑफ लाइफ इज ओनली इन स्मॉलर थिंग्स. जो एक चीज वक्त के साथ रुक के समझने की जरूरत है इंसान को, वो अपना आप है. What am I? Who am I? What do I want? दो दिन इंपॉर्टेंट है जिंदगी में. एक दिन वो जिस दिन आप दुनिया में आते हैं, दूसरा दिन वो जिस दिन आपको पता चल जाए कि क्यों. आपको लगता है एक्टिंग का जो टैलेंट है वो इनबॉर्न होता है या वो क्रिएट किया जा सकता है? आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं टू बी एन एक्टर? दोनों. इट इज इनबॉर्न. आप इसमें एक्सेल भी कर सकते हैं अगर उतना नहीं है आपका टैलेंट. हमसे पिछली जनरेशन बहुत केपेबल थी, बहुत कमाल थी. हम थोड़े से खुश हैं उनके मामले में. इस मामले में बच्चे रेज करने के मामले में, बच्चे पैदा करने के मामले में, उन्होंने पांच पांच बच्चे इन स्ट्राइड पैदा किए. हमें सारे रिश्ते दिए, हमने क्या किया? खाला है तो मामू नहीं है, मामू है तो फुप्पी नहीं है. हमने तो सिर्फ अपनी मुश्किल देखी ना. तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और मुश्किल क्या देखी? हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम वर्किंग मदर्स हैं, तो बार बार कौन छुट्टियां लेगा और फिर वापस काम पे जाना कितना मुश्किल होगा, अपने आप को वापस लाना कितना मुश्किल होगा. और इतने सारे पैसे इतने सारे बच्चों पे लग जाएंगे. तवक्कल का रास्ता छोड़ दिया ना. देन सायरा द डायरेक्टर आस्क्ड मी टू परफॉर्म एज द लीड ऑपोजिट राहत काज़मी. That was my first lead. वैसे क्रश था राहत काज़मी को. किसका नहीं था? चीजें बदलेंगी. दुनिया का काम ऐसा क्यों है जैसा है? क्योंकि लोग रूल करते हैं, लोग पैटर्न सेट करते हैं, व्यूअर्स ही करते हैं. सो हम भी करेंगे. We're going there. We'll get it done. Fraternity से बिलोंग करके आप लोग क्रिटिक बन गए हैं. एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो क्रिकेट के फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं. वो बैठ के बताते हैं कि इसकी गेम में ये गड़बड़ है. सो क्यों बताते हैं? Because they've been there. They've done that. So हम भी वही लोग हैं. Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज वो एक दिन है. आई थिंक अभी मैंने आज से कोई कुछ साल पहले कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी ज़िंदगी में ये मौका आएगा कि जिनके ड्रामे देखा करती थी मैं एक ज़माने में, वो मेरे सामने बैठी होंगी और मैं उनको इंटरव्यू कर रही होंगी. दो साल पहले, तीन साल पहले कोविड से हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है कि हम इंटरव्यू करेंगे, बट चांस नहीं मिल रहा था. उनको मुतारफ़ कराने का मैं सोच रही हूँ कि क्या किस तरीके से कराऊँ, बिकॉज मेरे ख्याल में मैं कुछ भी बोलूँगी वो काफ़ी नहीं होगा. शी इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हर सेल्फ. वो आइकॉनिक हमारी एक्ट्रेस हैं और उनका काम इतना है कि मैं नाम लूँगी भी तो मैं शायद, मेरे पास टाइम इतना नहीं हो कि मैं सारे प्रोजेक्ट्स के नाम ले सकूँ. और जितनी मैं उनकी बातें सुनती हूँ मैं और इम्प्रेस हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि उनको और बोलना चाहिए. मतलब ऐसी बातें करना कि PTV के ज़माने में जिन्होंने सीखा उनके ऊपर कर्ज़ है और उनको वापस करना ही है. हमारे ड्रामे हमारी हिस्ट्री को आर्काइव कर रहे हैं, लेकिन शायद हमें इस बात की रियलाइजेशन नहीं है. द मोर आई हर्ड हर, द मोर आई बिकेम इवन अ बिगर फैन ऑफ हर. और मुझे लगा कि ऐसी बातें हम और क्यों नहीं करते. तो आज मेरे साथ रुबीना अशरफ हैं स्टूडियो में. आज उनके जर्नी के बारे में हम कुछ बातें करेंगे और कुछ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्सेशंस करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. होपफुली या तो फिर हम कपड़ों की बातें करेंगे. हम इससे पहले वैसे काफ़ी बातें कर चुके हैं, कपड़े, ड्रामे, डिस्कशन. बाय द वे मैं कह रही थी ना, इंस्टीट्यूशन है, मेरी एक क्लास में ले चुकी हूँ उनसे. शी डजंट नो दैट शी टॉट मी समथिंग. लेकिन अभी हमारी माशाल्लाह से जो बात हो रही थी, यू नो द एक्टर डायरेक्टर एंड एक्टर बीइंग इन inside a person and all that, and I picked up so many things from you, so many pointers, you know. So it's such a pleasure to talk to you. हम वैसे भी काफी दफा बात कर चुके हैं, लेकिन इधर such a pleasure talking to you too. क्योंकि जब भी मैं आपसे बात करती हूँ मुझे बहुत मजा आता है. हमारी एज यू जस्ट सेड कोविड के ज़माने में शुरू हुई थी बातचीत. आप क्योंकि रुसवाई शायद चल रहा था, ख़त्म हुआ था. एंड यू इम्प्रेस्ड मी. थैंक यू. एंड यू इम्प्रेस्ड मी कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम यू, बिकॉज़ यू नो मैं सुनती हूँ. एंड सी आई हैव बीन अ फैन सिंस, सो इट्स अ म्यूचुअल थिंग. लेकिन मैं आपसे उससे बहुत पहले की फैन. चलिए. और वही बात है ना कि मुझे इतना मज़ा आ रहा है जब आपसे बात कर रही हूँ कि इतना सच अ प्लेजर कि आप कॉन्वर्सेशन करें, उस कॉन्वर्सेशन में मज़ा भी आ रहा है. एंड यू आर पिकिंग अप थिंग्स ऑल्सो एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग. और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जहन में रह रही हैं और बाद में आपको हिट करी, हाँ ये भी चीज़ है, हाँ ये भी चीज़ है, यू नो. तो ये सो आर यू शूटिंग एनी थिंग आजकल, क्या चल रहा है? अभी आई जस्ट फिनिश्ड शूटिंग एक जो मेरा चल नहीं बेहद अभी नहीं ख़त्म हुआ. अच्छा, बेहद अभी कर रही हैं. बेहद की शूट अभी चल रही है और ख़त्म हुआ है हसरत. ओके. ख़त्म हुआ है एक और 7 o'clock वाला जो यू नो जस्ट फिनिश्ड ऑन एयर ऑल्सो आई ड्रीम एंड आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रीदर नाउ. हाँ, जस्ट डूइंग क्या ड्रामा है.
उस पर भी बात करते हैं आज की स्टोरी पर। अच्छा मुझे बताएं, जब माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस हो, ज़िंदगी के इतने उतार चढ़ाव देख ली हो, एंड यू हैव दिस फुल लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू माशाल्लाह, यू नो, एंड क्या एक दो चीज़ें जहन में आती हैं जब आसपास आप लोगों को देखती हैं, कभी यू नो क्रिप करते हुए या चैलेंज को फेस करते हुए या वैसे ही, क्या जहन में आता है, क्या कहना चाहती हैं आप लोगों को? वो लोग जो मेरी फील्ड से हैं या जनरली? जनरली आम अपने इंटरेक्शन में भी, आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, आपके घर का वो माली भी जिसको आपने निकाला था बहुत पहले। हर वक्त निकालती होती हूँ माली तो। अच्छा, माली रोटेशन में रहता है। फाइनली फाउंड वन हू इज रियली रियली गुड। आई डोंट लाइक पीपल क्रिबिंग, सो आई गेट वेरी ऑफेंडेड, एंग्री जब कोई कंप्लेन करता है। आई एम नॉट अ कम्प्लेनर सो मच, हूँ मतलब मेरी कंप्लेन ये है कि मैं कंप्लेन एंड फिक्स। सो माई स्ट्रेटजी इन लाइफ इज, इफ यू डोंट लाइक अ सिचुएशन, यू डोंट लाइक अ वे समथिंग इज गेटिंग डन, देन वॉट एवर इज नॉट लेटिंग दैट राइट थिंग हैपन, उसको बदल दो। ओके, जगह बदल दो, चीज़ें बदल दो, सब कुछ बदल दो, जो बदलना है बदल दो, एंड गेट इट राइट। सो मुझे घबराहट होती है, तो जो लोग क्रिप करते हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी ज़िंदगी में आए जो कि एक सिचुएशन के बारे में क्रिप करना शुरू करते थे, तो फिर करते ही चले जाते थे, और फिर सालों करते रहते थे, एंड यू केप्ट टेलिंग देम कि ऐसा नहीं है तुम्हें लग रहा है, ऐसा नहीं है तुम्हें लग रहा है, एंड देयर इज अ टाइम in your life and you say enough of this, I just want to move on. ये तो आदि है, ये तो नहीं बदलेंगे, they will not change, इनका point of view नहीं change हो सकता, then you just change your path. मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है, when you've gone through, when you've seen few things in life, या a lot in life, तो फिर कभी कभी मुझे लगता है हम आसपास जब मैं लोगों को देखती हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ों को ना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और फिर जब वो चीज़ें ज़िंदगी से निकल जाती हैं फिर हमें हिट करता है। जैसे कोविड ने भी हमें कितनी चीज़ों के बारे में बताया, यू नो, कि हमें रियलाइजेशन होती है छोटी चीज़ें ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट हैं। ये तो अगर किसी को नहीं पता तो मुझे लगता है हम लोगों को नहीं पता टिल वी गो थ्रू समथिंग, मुझे ये लगता है। सी the joy of life is only in smaller things. बड़ी तो achievements हैं ना, और अगर आप उनके पीछे भागना शुरू हो जाओगे और छोटी छोटी खुशियों को enjoy करने की capability lose कर जाओगे या भूल जाओगे उनको enjoy करना। जब मैं यहाँ आ रही थी, I was thinking कॉफ़ी रह गई है ना ज़िंदगी में, बाकी सब आज के दिन का इस वक्त तक का काम हो गया, और भाग और भागने दौड़ने में, एंड द फर्स्ट थिंग यू आस्क्ड मी वाज कॉफी। सी, सो कितनी मैं खुश हूँ इस बात से दैट आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ ग्लास ऑफ वाटर राइट विद मी। इस वक्त मुझे इससे ज़्यादा एंड कॉन्वर्सेशन ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। इससे बड़ी, इस वक्त अगर आप मुझे कहेंगे कि मेरी जायदाद ले लें और ये मोमेंट लेट गो कर दें, आई think I will not let it go. Mashallah. How do you get to this point? Because you have to keep checking yourself. You have to keep asking yourself kya chahiye aur kitna chahiye. Okay. Ab ye baat hum bahut jagah sun rahe hain kyunki ab bahut zyada log kar rahe hain aur bahut zyada internet ke through hame baar baar hamari taraf aa rahi hai ki universe aapko wahi sab deta hai jo aapke dimag mein chal raha hai. Is it really true? That is. आप believe करते हैं इस चीज़ में? Of course. मैं इस चीज़ को बहुत question कर रही हूँ आजकल, पता नहीं क्यों भाई मैं manifestation या मैं इन चीज़ों पे इतना नहीं करती हूँ। हर दूसरे दिन एक ad चल रहा होता है मेरे सामने, मैं कहती हूँ क्यों आ रहा है ये मुझे, why? And I'm questioning. ठीक है, I know a lot of people believe in this, लेकिन has it ever happened to you in life that you thought of something and you didn't even pray for it or work for it? Or do something about it, but it just happened. Has it ever? मेरे experience में नहीं हुआ. I have gotten things, लेकिन मैंने उनके लिए दुआ बहुत की है. Okay. And I have worked for them. या फिर अल्लाह ने मुझे उसके लिए prepare कराया, फिर दुआ करवाई अल्लाह ने मुझसे. वो फर्क चीजें हैं. हाँ. ये नहीं हुआ जो आप कह रही हैं. वो फर्क नहीं हुआ है. हुआ है. हाँ. अब आपको, अब के बाद आपको पता चलेगा. ठीक है. कि ये कब हो रहा है. I would really be interested in, because it's
बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता, होता है ना, यही तो है जिंदगी. ये वो कमाल फिनोमेना है. दे कॉल इट यूनिवर्स, वी कॉल इट गॉड. आपके हाँ, थैंक यू फॉर सेइंग दैट. जब वो चीज़ गुजरती है तो मैं कहती हूँ, मैंने आई डिडंट वांट टू से इट बिकॉज़ आई डिडंट वांट कि लोग मुझे बोल, बट आई एक्चुअली थॉट कि ये आपका होगा, मेरे लिए तो भाई दुआ है और ये कि अल्लाह ये कर रहा है मेरे लिए. तो मेरे लिए तो ये चीज़ है, बात एक ही है ना, बात एक ही है. यस, वो उसको कहते हैं ना, सब अल्लाह के बंदे हैं और सब अल्लाह ही से मांगते हैं, बट उनको पता नहीं है कि कैसे मांगना है या क्या. तो वो जो भी उनके दिल में है, जिस तरह से भी है, एंड इवेंचुअली देयर इज गोइंग टू बी अ डे व्हेन eventually we'll all going to have one God and we'll be one world. So agar aap notice karna shuru karo na to choti se choti cheez aapko batayegi ki aap jo soch rahe hote ho jo Allah ne insaan ko ye taqat di hai that you can will things to happen. बस आज से शुरू कर रही हूँ मैं. Yes. आपके साथ क्या हुआ ऐसा कोई एग्जांपल? मेरे साथ तो सिर्फ यही होता है. यही होता है? लकी यू. सिर्फ यही होता है कि मैं सो आई बिकॉज आई डोंट गिव अप. आई जस्ट थिंक कि ये चीज़ मुझे चाहिए है. आई थिंक ये चीज़ मुझे चाहिए है. एंड देन आई थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस एक्चुअली कि लग रहा है अभी या नहीं, ज़रूरी नहीं है. बट व्हेन आई रियली थिंक दैट आई वांट समथिंग, it happens. Yeah, it does. Okay. But you have to be careful what you want then. Yeah. See, aise nahi hai phir you start wanting and things will no, aise nahi de raha universe aapko. Allah mia aise nahi de rahe. To phir kya piche kya Allah ko bhi pata hai ki ye banda khud hi filter out karta jayega. Okay. Aur ye khud hi maine isko ye cheez nahi deni. Lekin ye isko khud hi samajh aa jayega. Ye wahi baat hai. हम बहुत सारे तरीक़ों से ये बात कह चुके हैं. ये वही बात है कि अल्लाह आपकी हर दुआ, हर हाजत के जवाब में ना नहीं कहता कभी भी. सही बात है. या ये कि हाँ ये किया तुम्हें दिया, या ये कि ये अभी नहीं लेटर, या ये कि तुम्हारे हक में सही नहीं, इससे बेहतर दूंगा, या ये तुम्हारे हक में सही नहीं है. सो डोंट आस्क फॉर दिस. सो ईदर यू रियलाइज के हाँ ये जो मैं मांग रही हूँ शायद दिस इज़ नॉट द टाइम, ये आप खुद रियलाइज कर लें, वरना वो फिर आप रोते रहे आप कहें कि क्यों नहीं हो रहा. बट आप शुरू से ऐसी थी, ये कन्विक्शन और ये इतना सुकून के जो अभी नहीं है, ठीक है ना, ये या ओवर द टाइम आप लर्न करते हैं? ये आई थिंक ओवर द टाइम आप लर्न करते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं. जो एक चीज़ वक्त के साथ बार बार रुक के समझने की ज़रूरत है इंसान को, वो अपना आप है. व्हाट एम आई, हु एम आई, व्हाट डू आई वांट, कहते हैं ना, इससे भी बड़ी बात है वो. खैर वहाँ मैं अभी नहीं पहुँची हूँ ज़िंदगी में कि दो दिन इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में. एक दिन वो जिस दिन आप दुनिया में आते हैं, दूसरा दिन वो जिस दिन आपको पता चल जाए कि क्यों. ओके अच्छा अब नहीं पहुंची, वैसे क्वेश्चन है नीचे, मैंने मैं नीचे मेरा मतलब पीछे पे था ना, पहुंचेंगे ये सवाल बट ये कोई इतना आसान सवाल है कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूं. आई मीन पर्पस ऑफ लाइफ नहीं अभी तक समझ आई. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गॉड सेंडिंग मी और प्लेसिंग मी वेयर आई एम प्लेस्ड. आई एम काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम, ट्राइंग टू मेक अ एक बड़ा असर्ट करके और एक कोई सेंसिबल उसका जवाब अपने लिए निकालना और फिर उसको परसू करना अपनी जगह, लेकिन सवाल तो बहुत बड़ा है. ये आप कब से सोच रही हैं सवाल? शायद याद भी नहीं. मैंने रिसेंटली सोचना शुरू किया है ना. मैंने शायद तभी से जब से तुम इसी उम्र से प्रॉबेबली मैं ये सोच शायद ये वक्त है एक जवाब. अच्छा तो उसके आपके नहीं जवाब अभी आप ढूंढ रही हैं? नहीं, मैंने जवाब बनाना शुरू कर दिया है. आई नो एग्जैक्टली या एग्जैक्टली मैंने देखो कि ओके ये कर सकते हैं तो शायद पर्पस निकल आए, ये कर सकते हैं तो ये शायद पर्पस बन जाए. क्योंकि देखो आप जहाँ प्लेस्ड होते हैं सबसे पहले तो आप उस जगह के बारे में सोचते हैं कि इधर क्या करना है ना, इस घर में जहाँ मैं हूँ और इस सराउंडिंग एज इन द वर्क प्लेस में जहाँ मेरी दो जिंदगी की जो इम्पोर्टेंट जगह हैं वहाँ मेरी ड्यूटी क्या है और बिगर ड्यूटी क्या है.
रिजल्ट ओरिएंटेड काम क्या है कि जिससे कि वो मिले जो कि इवेंचुअली हम सबको चाहिए है अल्लाह की खुशनूदी, और करना क्या है। सो इफ़ आई मे आस्क, कोई एक दो चीज़ें निकाली आपने पर्पस के लिए, और वो क्या हैं आपने जो निकाली, फिगर आउट किया, वो जवाब जो बनाया, वो क्या कर रही हैं? क्योंकि ये देखो, द होल आइडिया दैट सी लाइक इन माय एक्सटेंडेड फैमिली, इन माय फैमिली दैट इज यू नो मेरी मैटरनल साइड, मेरी ससुराल की साइड, अब दो फैमिलीज है ना मेरी। सो मैंने सोचा कि मैं क्यों हूँ इस ख़ानदान में जिसमें मुझे प्लेस किया गया है, और मेरा मकसद क्या है। तो बहुत सिंपल है, जोड़ो इन सबको, इनको इकट्ठा रखना है, इनके साथ बना के रखनी है, गलत और सही को इरिस्पेक्टिव, इफ यू थिंक समथिंग रॉन्ग विद देम, टॉक इट आउट, फिक्स इट, बी वन ओके विद देम एंड मिल के आगे चलते हैं। मैंने जब जिंदगी को अपने हाथ में लिया, जब से मैं जब माँ बाप आपको परवान चढ़ा रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, तो वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद भी अपने आप को समझ रहे होते हो। लेकिन जब से मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लिया, तो मुझे लगा कि अब मैं इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ जो मेरी ज़िंदगी में है। If there's anything wrong in their lives, I need to fix it or be a part of fixing the process. So, ठीक है। या आपने इतनी खूबसूरत बात की है, क्योंकि इतनी खूबसूरत बात की मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग ये समझ रहे होते हैं ना कि कोई बड़ा स्कूल खोल लो या कोई बड़ी एनजीओ खोलो तभी, नहीं, ये भी रोज सोचती हूँ, नहीं, लेकिन ये भी तो पर्पज है ना जो आपने बोला कि जो जगह है सबसे पहले शुरू तो वहीं से करना है, और वहीं तो सबसे ज्यादा मसले हैं। अगर आप रियलिस्टिकली देखें हमारे यहाँ मसले तो वहीं से हैं सारे, कि यहाँ झगड़ा वहाँ झगड़ा, नहीं साथ या दिल में बातें हैं। तो ये बड़ी अच्छी आपने बात बोली, व्हिच आई होप इज अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस। या आई गेस एंड देन देयर इज एंड देन नॉट जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन कीप अ ट्रैक ऑफ वेयर वी एज अ फैमिली वर 5 इयर्स अगो, 10 इयर्स अगो, वेयर वी आर टुडे, where I want us to be. ट्रैक कैसे रखें, याद रखें, देखें क्या हुआ, नजर ही आ रहा है हम, ये तो वो जिंदगी है जो हम सबसे ज्यादा जी रहे हैं, बाकी सब तो काम है, और ये तो फन है, ये तो हम हैं, ये तो हम हैं, है ना, दिस इज वेयर योरसेल्फ, दिस इज वेयर यू जस्ट मैनिफेस्ट योरसेल्फ। तो आप देखें ना कि एज अ फैमिली हम कहाँ थे 5 साल पहले, कितने इकट्ठे थे, तो 5 साल में क्या हम कम इकट्ठे हो गए हैं? ऊप्स, रॉन्ग, लेट्स फिक्स इट। क्या था, बड़े चले जाते हैं तो ये एक फेज आता है ना हर फैमिली में, तो हमारी फैमिली में भी आया, आता है जाता है, फिर वही बात है कि फिर किसी और को बड़ा बनना पड़ता है, और बड़ा बनने के लिए आपको ये नहीं कहना होता मैं बड़ा हूँ, क्योंकि अब मैं बाय डिफॉल्ट बड़ा हूँ, तो आप सब लोग मेरी इज्जत करेंगे, और जो मैं कहूँगा वो करेंगे, और मेरी हाँ में प्लीज़ कोई ना नहीं मिलाएगा, नहीं। आप कहते हैं कि इन सबको क्या चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो मुझे वो देखना है, बड़ा तो सिर्फ वो होता है, सही बात है, जो कि बड़ाई करता है, जिसको कि हर इंसान की तकलीफ का का ट्रैक रखना होता है, उसके लिए अगर अपनी कैपेसिटी में जितना भी कर सके, मशवरा देने से लेकर व्हाटएवर, गले लगाने से लेकर पार्टी प्लान करने से लेकर, आई एम अ पार्टी प्लानर, सो मैं थोड़ी सी अफसोस्त हो गई हूँ क्योंकि काम शायद ज़्यादा हो गया ज़िंदगी में, बट आई मिस बीइंग अ पार्टी प्लानर, आई वाज कॉल्ड द पार्टी मामा बाय माय फैमिली के बच्चा, बिकॉज सबकी आप करती हैं, मतलब किसी को दिल में आया है कि कुछ करना चाहिए, तो दे कम टू मी एंड दे से प्लीज लेट्स डू समथिंग, एंड आई से यस, और कितना अच्छा खुशी होती है जब कोई भी बच्चे आके आपको बोले, खास तौर पे, बिल्कुल, चलिए बताएं कितना मुश्किल है बीइंग एन एंबिशियस वुमन, डू हैव टू पे अ प्राइस, कितना मुश्किल है, नो, डू हैव टू पे अ प्राइस फॉर योर एंबिशन, नहीं, एंबिशन तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, बट खूबसूरत चीजें अक्सर बहुत मुश्किल भी होती है, मुझे लगता है, इफ आई वुड थैंक माय मदर फॉर वन थिंग दैट शी गेव मी, इट्स एंबिशन, इट इज
द वन थिंग दैट एवरी पेरेंट शुड गिव देयर चिल्ड्रन. कैसे दी आपकी अम्मी ने एम्बिशन? क्या दो तीन चीज़ें उन्होंने ऐसी की जिससे आपको लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग? बार रेज कर देती थी हर सेकंड पे. आप एक काम करते थे कहती नहीं नहीं अब ये करके दिखाओ. ओके. एंड देन से अभी तो ये आपने कहा था कि ये करना है और ये हो गया है. नाउ यू आर सेइंग ये नहीं ये करो. मतलब हम सारे बहन भाई वी वर रेज लाइक दिस. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स हस्बैंड अ वेरी वेरी डियर पर्सन टू मी, मुझे पता भी नहीं था कि ये भी कोई बात होती है. And then one day, Rauf, this guy that I'm talking about, my friend's husband, he said to me, आपकी अम्मी ने ना एक काम बड़ा अच्छा किया है, उन्होंने आप लोगों में ambition दिया है. I said, what does that mean? Yeah. Didn't even know. इसका मतलब क्या है? And then I started thinking, और फिर think क्या, फिर तो आपके दिमाग में एक चीज़ चल गई है ना, घुस गई है और वो बता रही है आपको बार बार कि हाँ ये करती थी वो ये करती थी. माय ब्रदर हु इज इन द आर्मी ही वुड ऑलवेज वांट अम्मी टू कम लिव विद हिम. वो तो जाहिर है उसी घर में रहती थी जिसमें से वो हम सबको निकाल के और आखिरी वाले के साथ रह गई थी. जो नॉर्म था उस जमाने का. तो जब भी राहिल कहते थे कि अम्मी आके मेरे पास है ना, तुम अभी तो तुम हो ना लेफ्टिनेंट कर्नल, तुम ब्रिगेडियर बनोगे ना, फिर तुम्हारे घर आऊँगी. ओके. And he do that, and then he say, "Aa jaye nahi." इससे अगला जब रैंक लोगे ना, फिर मैं आऊँगी तुम्हारी सेलिब्रेशन पे, फिर मैं रहूँगी तुम्हारे पास. Okay. So you know, अम्मी देखे मेरा घर कितना अच्छा है. हाँ अच्छा है, अपना बनाओगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा. Small little things. So आपको गोल भी दे रही है, बता भी रही है साथ साथ. So बनवा दिए उन्होंने हम सब के घर. माशाल्लाह. हाँ अचीवमेंट्स करवा दी हमसे. आई मीन व्हेन आई यूज्ड टू गेट अ स्क्रिप्ट, और ये बहुत शुरू की बात बता रही हूँ, तो मुझसे पहले वो पढ़ती थी. अच्छा. हाँ तो क्या फीडबैक देती थी? नथिंग, शी जस्ट रीड इट, शी जस्ट एंजॉय इट. ओके. आई डोंट नो, शी नेवर टोल्ड मी व्हाट काइंड ऑफ एन एक्टर आई वाज. शी नेवर प्रेज्ड मी एज सच, ओए मेरा बच्चा. शी वाज इन दैट मदर एट ऑल. But she was okay with you. But she was, I'm sure, because she never held me back in life. So बड़ी बात है. Yeah, वो बड़े कमाल लोग थे. हम मेरा एक छोटा सा है ये dilemma, दुख, I don't know क्या exact word होगा, कि हम मुझे लगता है, I don't know if I'm wrong or right, कि हमसे पिछली generation बहुत capable थी, बहुत कमाल थी. हम थोड़े से फुस हैं उनके मामले में. इस मामले में बच्चे रेज करने के मामले में, बच्चे पैदा करने के मामले में. उन्होंने पांच पांच बच्चे इन स्ट्राइड पैदा किए. हमें सारे रिश्ते दिए, हमने क्या किया? खाला है तो मामू नहीं है, मामू है तो फूफी नहीं है. यू नो आधे रिश्ते हमारे बच्चों को पता ही नहीं है. आई मीन माई चिल्ड्रन वुड नेवर नो के मेरे बच्चों के बच्चे, दे वुड नेवर नो के चचा कितनी इम्पॉर्टेंट और कमाल चीज़ होती है. मिनाज चिल्ड्रन विल नेवर नो खाला कितनी कमाल चीज़ होती है. वैसे मुझे भी नहीं पता बिकॉज मेरे चार भाई थे और मैं थी. बट यू नो हमने रिश्ते ख़त्म किए, हमने बच्चों को. मैं तो कभी इस पॉइंट से सोचा ही नहीं आप कि या पॉपुलेशन ग्रोथ हैज दिस इफेक्ट ऑल्सो, उसको रोकने का. Yeah. मैंने नहीं सोचा. हमने तो सिर्फ अपनी मुश्किल देखी ना. कि हमें तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और मुश्किल क्या देखी. दैट वाज अ मेन ट्रिक. हमने सोचा कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम वर्किंग मदर्स हैं. तो बार बार कौन छुट्टियां लेगा और फिर वापस काम पे जाना कितना मुश्किल होगा, अपने आप को वापस लाना कितना मुश्किल होगा, और इतने सारे पैसे इतने सारे बच्चों पे लग जाएंगे. तवक्कल का रास्ता छोड़ दिया ना. सही कह रही हैं. अब तो बच्चा सब लोग यही सोचते हैं कि कितने पैसे लगेंगे. एंड इन फैक्ट आई एम एम्बैरस्ड टू से दैट, बट कुछ दिन किसी ने मुझे बोला पांच बच्चे. मैंने कहा पांच बच्चे होंगे? हां हां. तो आई एम सो सॉरी, बट यू आर सेइंग इट लाइक फाइव इज लाइक हम लोग बोल रहे हैं कि फाइव वाज अ नॉर्म एट दैट टाइम. हमारे जमाने में उससे पहले सात होते थे, उससे पहले आठ होते थे, उससे पहले दस होते थे. अब तो शहरयार जैदी साहब के 11 बहन भाई हैं. सो क्या है, ठीक ही पल गए सारे. They're thriving. They're such good looking.
अच्छे बने हैं, खुश शक्ल हसीन बच्चे हैं, मतलब वन ऑफ देम टू ऑफ देम आई वर्क विद शहयार जैदी साहब एंड देन शाहनवाज जैदी साहब ऑल्सो एन एक्टर नाउ एंड वॉज द हेड ऑफ माई डिपार्टमेंट इन पंजाब यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट. सो क्या हमने पूरी एक खुश बच्चे हैं एक्टिंग को छोड़े, हम तो यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ अब बढ़िया. और क्या अभी वो सेइंग ईद पे घर गया था तो एक बहन जो है वो करती हैं खाना सबका, तो कोई 150 घर के लोग होते हैं. हाउ लव यू की जरूरत ही ना पड़े, सब कुछ अपनी माशाल्लाह. हां क्या जरूरत है, ये इंटरेस्टिंग है. बट हाउ डिफिकल्ट इट इज या इजी है या कैसे है कि आपको नहीं परवाह होती या आप नहीं करेंगी कि लोग क्या कह रहे हैं, मुझे मेरे ख्याल में ये चीज़ सही है, मुझे ये करनी है. हाँ मुझे ये कहने पे ये करने के लिए मुझे लुक्स देंगे लोग और बोलेंगे क्या, बट यू गो ऑन. ये प्रोसेस होता है जिससे आप अपने आप को इम्यून कर लेते हैं इन सब चीज़ों के से, या ये इनबॉर्न होता है? नहीं, ये होता तो हर एक के साथ फ़र्क है, बट होना क्या चाहिए आई विल टेल यू. ये होना चाहिए सेल्फ क्वेश्चनिंग. ओके ठीक है. देयर इज़ अ सिचुएशन जिसमें आपको लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, फिर आप उस सिचुएशन के बारे में आपको सोचना है कि ये सिचुएशन एक्चुअली सही है या जो भी स्टेप सो टू से मैं लेने जा रही हूँ ये ज़रूरी है, ये सही है, ये होना चाहिए, ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये आपको एक सेकेंड में नहीं पता चलेगा, इसके लिए आपको बहुत सारा सोचना पड़ेगा. और जब आप फाइनली इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि हाँ मेरे लिए ये इंतहाई ज़रूरी है, आई टोटली एंड एब्सोल्युटली बिलीव इन व्हाट आई एम गोइंग अबाउट टू डू, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे. अच्छा मैं थोड़ा सा ना वर्किंग या जिंदगी में नॉट वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आई वुड मैं ज़्यादा पूछी थी, बिकॉज नॉट ओनली दैट यू हैव बीन एन एक्टर, यू हैव बीन अ डायरेक्टर ऑल्सो, यू नो. एंड सुनने में आता है फीमेल डायरेक्टर्स को काफ़ी यू नो स्ट्रगल होती है, चैलेंज होता है अपनी चीज़ें कराना और करना भी. तो उस पॉइंट से मैं गई थी बिकॉज आई नाउ थिंक आई एम गोइंग थ्रू दिस, कि जब मैं कुछ करवाना चाहती हूँ तो मैं कॉन्शियस होती हूँ कि यार ये मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है ये चीज़ होनी चाहिए, बट मेरे आस पास के लोग सोच होंगे ये क्या बोल रही है, क्यों इतनी डिटेल बारी क्यों उसका. बट बड़ा मुश्किल होता है बींग यू नो. Even that has a simple solution, then put it in discussion. Either convince everyone that you think sometimes will... Sometimes you don't have time for this, like, karo bhai, I'm the boss, just do it. Nahin, you wouldn't say that? Mera kaam jo hai na, wo chunke bahut zyada objective hai. In the sense ke dunia mein chal jata hai. I mean, if I'm directing something, and something is... मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, बट उधर से एक आवाज़ आएगी कि क्या करिए ये तो कुछ ऐसे तो ऐसे ऐसे जैसे हम अब क्वेश्चन करते हैं ड्रामों में कि ये कैसे किया आपने और क्यों किया. तो कोई आवाज़ अगर आती है और आपको आके लगती है और आपको पता है कि इस आवाज़ में सेंस है, देन यू पुट इट ऑन द टेबल इमीडिएटली, है ना. अनलेस आपके पास उस आवाज़ के लिए एक जवाब है और वो जवाब उस क्वेश्चन को आंसर कर देता है. देना चाहिए आंसर या मूव ऑन, क्योंकि आपको पता है कि वो जवाब देना चाहिए. देना चाहिए. ये जो बड़े काम होते हैं ना, ये वही बात है जो हमने शुरू में भी हम करे थे, वो अपने अपने अलहदा अलहदा खांचों में बैठ के नहीं होते, वो कलेक्टिव ही होते हैं. मुझे ऐसा लगता है जितना औरतें आगे जा रही हैं, जितना लड़कियां वर्क फोर्स में आ रही हैं, यू नो, अब वो बहुत सी जॉब्स कर रही हैं, दे आर बिकमिंग मोर एम्बिशियस आल्सो, यू नो. इनफैक्ट अब तो एम्बिशन उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा होने लगा है, लेकिन हमारी सोसाइटी अभी ट्रांजिशन के पीरियड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी औरतों को फेस करना पड़ता है कि जब वो कोई बात कहती हैं तो उनकी बातों को क्वेश्चन किया जाता है, उनको लुक्स और यू नो क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं. इट्स अ प्रोसेस, यू नो, जिसमें आपको एक थोड़ी अपनी थिक स्किन होना पड़ता है. आप कहते हैं नहीं, I'll go on, no matter what anybody is saying. मैं मुझे पता है ये चीज़ है तो मैं आगे चलूँगी. तो मैं इस उस पॉइंट से बोली थी बिकॉज वेन वी सी पीपल लाइक यू जो इतने बड़े क्रू को डायरेक्ट करती हैं, हर किस्म के लोगों से डील करती हैं, तो वहाँ से आई वॉज आस्किंग कि यू नो वॉट वॉज योर एक्सपीरियंस के शुरू से. तो क्वेश्चन होना तो बहुत ज़रूरी चीज़ है. आपको लगता है अननेसेसरीली भी? यस. Because it, the only change ho raha hai, the only way it's going to take you is up. अगर आप पूरे खुले दिमाग के साथ उस सवाल के बारे में सोचेंगे और फिर उसको अपने लिए और जिसने किया है उसके लिए
जवाब उसका उसको हल कर देंगे, हल कर देंगे, है ना, कि ये है आपका सवाल, ये है इसका जवाब. वो कहेगा यूँ तो फिर यूँ, आप कहेंगे नहीं यूँ तो फिर ये देखो और ये देखो. यू सी लाइफ इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स. हर सिचुएशन, हर मसला, हर अकरंस, हर हंसी खुशी वाला माहौल की एक कैलकुलेशन है. मैथ्स को लाइफ से निकाल के जिंदगी जीरो है. सो आप और सवाल मैथ्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. सवाल को तो आने दो, आने दो, और इतनी हिम्मत रखो कि आने दो, जवाब मैं दूंगी और मैं बिल्कुल ये सोच के दूंगी कि हाँ मेरा जवाब गलत है, तुम्हारा सवाल बेहतरीन था, थैंक यू बिकॉज यू टुक मी अ स्टेप अहेड. ओपन माइंड, यही तो गलत कर रहे हैं हम इन सो मैनी फील्ड इंक्लूडिंग आज, के हम दिमाग बंद करके डिक्टेटरशिप मोड में गए हैं. इफ यू डोंट लेट पीपल क्वेश्चन यू, व्हाट इज इट, नॉन डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप. एक डायरेक्टर कहेगा कि ये ऐसे, यही तो हो रहा है. आप यहाँ बैठ जाएं, आप यहाँ बैठ जाएं. अब वो लड़की जो है उसके सर में सूरज आ रहा है. सीन कह रहा है कि मोहब्बत है मुझे और तुम्हें और पहली दफ़ा हम दोनों बात कर रहे हैं, मगर मेरी तो आंख में सूरज आ रहा है. मगर मैं डायरेक्टर को नहीं कह सकती कि आपने मुझे गलत जगह बिठा दिया, क्योंकि मेरी सारा इमोशन जो है वो एम्बियंस टेक ओवर कर गया. सीन की तबाही फिर गई. क्यों सवाल नहीं किया कि सर ये गलत जगह है, ये सीन बहुत बड़ा है, ये जगह गलत है, ये लाइट है या ये बारिश है, ये फलानी चीज़ है, ये मुझे मेरे असल मैसेज को कन्वे करने से रोक रहे हैं. उस फोर्स के साथ मैं वो मैसेज उस फीलिंग के साथ नहीं दे पाऊंगी या दे पाऊंगा जिस फीलिंग के साथ, जिस फोर्स के साथ. इसको मकसद क्या है ड्रामे के किसी भी सीन का, आपको हिट करे आके, आपको रोक ले चलते हुए, सही बात, आपको कहे कि एक सेकेंड मुझे, एक सेकेंड दो और फिर देखो मैं तुमसे 10 सेकेंड कैसे लेता हूँ. सी वो पकड़ ले. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग माय को-एक्टर्स के हर सीन तुम्हारा सीन है, ले जाओ. सही बात है. खुला सीन मेरा सीन है, मुझसे लेके दिखाओ. सी बिकॉज हमने यही सीखा था, ऐसे ही सीखा था. कमिंग बैक टू द सवाल, सवाल को तो कभी ना मना करें. चलिए, आई नो आपने कहानी बहुत दफ़ा शेयर की, लेकिन मैं चाहती हूँ इंटरव्यू, एक कंप्लीट इंटरव्यू, और जो लोग देख रहे हैं, जो आपके यंग फैंस हैं जिन्होंने शायद पुराने इंटरव्यूज नहीं देखे हों, उनको भी पता चले कि आप स्टार्ट कैसे हुआ. आई नो कि कभी सोचा नहीं था कि आप एक्टर बनेंगी, राइट? कभी नहीं सोचा था, बाय चांस ये हुआ. तो तीन दोस्तें कैसे पहुंची थी टीवी स्टेशन? ऐसे ही, ऐसे ही के ड्रामे की शूटिंग देखने. होता था एक्सेस करना उस जमाने में? वी हैड अ फ्रेंड हु वाज एन एक्टर, आसिफ रजामीर एट दैट टाइम, एंड ही वाज शूटिंग फॉर समथिंग, एंड प्रोबेबली समबडी हैड आस्क्ड हिम के यू नो कोई नई लड़कियां हो तो लाओ, एंड ही टुक अस to show us the shoot, and फिर ऐसे ही हम देख के आए. और किसी ने अपॉर्चुनिटी मिली तो क्या सोचा, बस ऐसी चली? हाँ, ऐसे ही किया. और पहली दफ़ा जब ऑडिशन कर रहे थे, आई थिंक मैं और सबा साथ साथ बैठे थे, एंड शहजाद खलील गेव अस अ स्क्रिप्ट के दोनों पढ़ के सुनाओ ऑडिशन का इंतजाम. हम तो वैसे ही फन कर रहे थे, एंड शी रेड इट एंड आई रेड इट. जो पहला रिएक्शन होता है किसी भी एक्टर का जब वो इस काम में बिल्कुल नया होता है, तो उसको बहुत हंसी आती है. तो आप लोग हंसना शुरू हो गए? मैं हंसना शुरू हो गई. एंड ही सेड इट्स नॉट फनी, व्हाट फनी अबाउट इट, इट्स नॉट फनी. दैट वाज आई व्हेन आई रियलाइज्ड दिस इज नॉट फनी. सी सो मैं बच्चों को आज भी कहती हूँ कि हम अगर आज आपको लगता है ना कि हम आपको क्या कहते हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं आपकी कोई गलती, या रोक रहे हैं, या ज़रा सा स्टर्नली समझा रहे हैं, आपकी सोच है कि हमें कैसे समझाते थे हमारे बड़े. सो ये तो वो बच्चे ही नहीं है ना, और हम वो बड़े ही नहीं हैं. गलती हमारी भी है. सो या मैं हूँ वो बड़ा, बट ऑडिशन में कौन पास हुआ? सबा गॉट द रोल. अच्छा, आपको नहीं मिला? नहीं, आई डिडंट गेट दैट वन. आई थिंक इट वाज, या आई गॉट माय फर्स्ट विद सायरा.
She offered me to play. Saira Kazmi ke saath? Yeah, she was she was directing. Okay. Oh, I know. She and I acted in a play. Uh-huh. Yeah, I remember. It was Savan Roop. She played my mother. I was a daughter who she'd given up and gone, married, and क्योंकि पिछली शादी से थी. हल्का सा याद है मुझे यूनुस जावेद साहब. ये आपका पहला ड्रामा था? ये मेरा पहला प्ले था. यूनुस जावेद साहब का ये मेरा पहला भी नहीं था, ये दूसरा था. उससे पहले साहिरा ने मुझे एक अपने और ड्रामे प्ले होता था, उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर करवाया था. सिंगल प्ले किया था ना पहला तो? हाँ, सिंगल प्ले. एंड देन दिस लॉन्ग प्ले जो निसार हुसैन साहब करते थे, द ड्रामा 81, 82, 80 समथिंग लाइक दैट. और इस जिसमें मैं और साहिरा एक्टिंग कर रहे थे इकट्ठे. देन साहिरा द डायरेक्टर आस्क्ड मी टू परफॉर्म एज द लीड ऑपोजिट राहत काज़मी. Wow. That was my first lead. आपको वैसे क्रश था राहत काज़मी को? किसको नहीं था? किसको नहीं था? कैसा था जब आप सामने एक्ट कर रही थी? मतलब आई कैन इमेजिन लाइक यू नो अभी बोला जा रहा था आपसे. हाँ हाँ, कैसे बोला जा रहा था मुझे अब याद नहीं है, बट वाओ. और आपने फ्रेंड्स में आके खूब शो ऑफ किया होगा. कि मेरे फ्रेंड्स वही थे जिनको ये सब पता था, वही तीन लोग जिनको ये सब पता था. कॉलेज में नहीं, दूसरे आते, वो खुद आते थे. हमने क्या शो ऑफ करना था, तो टीवी पे देखते थे, हम आके नहीं बताते थे. वो एक दिन टीवी पे चल जाता था एंड द नेक्स्ट डे यू वुड बी द स्टार ऑफ द यूनिवर्सिटी. ये यूनिवर्सिटी का जमाना था. वो रिएक्शन कैसा था जब सब ने पहचानना शुरू किया, यू बिकेम यू नो अ फेस माशाल्लाह से, क्या रिएक्शन आता था एंड आपको कैसा फील होता था? अमेजिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ये तो कोई बहुत कमाल फीलिंग थी जो सोचा भी नहीं ना कभी. व्हेन आई डिड दिस प्ले विद राहत, और मैं सुबह में हम पहुँचे हैं शूट पे, और मेरा ख्याल है कि 2-3-4 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ. मैं पिकड अप फ्रॉम मैं चूँकि घर से पिकअप उस ज़माने में भी टेलीविजन देता था, सो आई वॉज पिकड अप अराउंड 10. ऑल एक्साइटेड, 10 से लेके शाम के 4 बजे जब पहला सीन तब भी नहीं शायद आया था. आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एवर अगेन. एंड राहत सेड इसको चलने दो फिर देखना. जब आई लव दिस जेंटलमैन, चलने दो फिर देखिएगा आप. अब वो तो बहुत प्रॉपर थे. आई लर्न सो मच फ्रॉम ऑल दीज बड़ाज दैट आई वर्क विद, राहत काज़मी एंड सायरा. एंड आई And how does it feel? एक हिट के बाद दूसरी हिट एंड यू नो पसे आए ना एंड माशाल्लाह लाइक यू नो अब बाहर जाएँ और लोग बातें करें, लोग आके केसेस पूछ रहे हैं आपसे, वो क्या फीलिंग होती है उसके? उसके वो शुरू में शायद आपको हिट करती है एज वाओ चीज़. उसके बाद तो आपको लगता है कि अब इससे भी बेहतर करना है और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर आपको सिर्फ उस भी पहले पिछले काम में खामियाँ नज़र आती हैं और अगले काम में कोशिश होती है कि वो दूर हो जाएं और फिर भी नज़र आती हैं, फिर कोशिश होती है इससे अगले काम में फिक्स करेंगे, फिर भी नज़र आती है. सो मुझे एक क्यूरियोसिटी होती है, अब तो फिर भी स्कूल्स बन गए हैं एक्टिंग स्कूल्स यू नो, उस ज़माने में तो बहुत बिल्कुल आई डोंट इवन नो ना पाउस कुछ भी नहीं था कुछ. तो फिर आपका क्या प्रोसेस था लर्न करने का, सीनियर्स से या क्या? या बेसिकली दैट, फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम सीनियर्स, फ्रॉम द दुनिया का काम, जहाँ कहीं भी जो कोई भी हो रहा था हमारा अपना काम, क्योंकि उस वक्त तो दुनिया भी बहुत कम हमें दिखती थी. एग्जैक्टली, सो हमारा अपना जो काम हो रहा था उससे सीखते थे. ओके, सो ऐसे ही था, ऑन जॉब ट्रेनिंग थी. आपको लगता है एक्टिंग का जो टैलेंट है वो इनबॉर्न होता है या वो क्रिएट किया जा सकता है? आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं टू बी एन एक्टर? दोनों, इट इज़ इनबॉर्न एंड इट कैन बी यू नो, आप इसमें एक्सेल भी कर सकते हैं अगर उतना नहीं है आपका टैलेंट. कुछ लोग बहुत नेचुरली गिफ्टेड होते हैं और उनको बहुत जल्दी सब कुछ समझ आ जाता है और वो फिर नज़र आता है उनके काम में. कोई एक नया लड़का लड़की जो आपको सुन रहा है इस वक्त, वो सोच रहे हैं एक्टिंग की तरफ आने के लिए, आपको क्या 2-3 एडवाइजेज़ उनको देंगी इन टर्म्स ऑफ कि एक्टिंग किस तरह की वो अपने आप पे काम करें और क्या इंडस्ट्री में आने से पहले किस चीज़ की तैयार, किस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले तो इस काम में ये सोच के नहीं आना कि ये बहुत आसान काम है, इसमें जाएंगे और जो लिखा है बस वो बोल देंगे और हमारा काम हो गया और हम मशहूर भी हो जाएंगे क्योंकि हम टीवी पे नज़र तो आ ही जाएंगे ना. सो हो सकता है ये हो भी जाए कि आप सिर्फ जो लिखा है वो बोल दें और
टीवी पे नज़र आएँ और फिर लोग आपको देखें और वो देख के और इतना लिखा हुआ इतना अच्छा हो कि वो नॉर्मल बोलने से भी उसका कुछ ना बिगड़ा हो और आप एक्लेम भी हो जाएं। बट ये स्ट्रेटजी चलेगी नहीं ज़्यादा दिन, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे इन द फील्ड फॉर लॉन्गर, और ये जो पहली फीलिंग आपको आई है ऑफ ऑफ द लव फ्रॉम पीपल, द क्लेम, द यू नो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फीलिंग, ये अगर आप चाहते हैं कि हमेशा रहे, फिर आपको इस काम को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। और इस काम को सीरियसली लेने का सिर्फ एक तरीका है कि वो जो स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, जो आपके पास आपके हाथ में आ गया है, अगर नहीं आया तो उसके लिए लड़ाई करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वीन का वो सीन बन जाओ जिसमें उसका बैग चुरा रहे होते हैं और वो लटक जाती है। सी, सो आई टेल चिल्ड्रन के फिर लटक जाओ बैग के साथ और कहो कि नहीं, मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मुझे स्क्रिप्ट दें, मुझे स्क्रिप्ट दें, मुझे PDF करें। आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है अब तो उनके लिए भी। अब हम वो नहीं बनाते, यू नो मेरे जैसा बंदा भी अब पढ़ लेता है फ़ोन में, हार्ड फॉर मी बट फिर भी। सो सारा कमाल जो है ना वो वहाँ है। उसको जितनी दफ़ा पढ़ोगे एक नई चीज़ समझ आएगी, एक दफ़ा पढ़ोगे कुछ और समझ आएगा, दो दफ़ा पढ़ोगे कुछ और समझ आएगा, तीन दफ़ा, और जो आपको समझ आया है उसको पढ़ के वो आपने समझाना है अपने व्यूअर को। वो फीलिंग जो आपने जब एक पेज पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा, हाईली इमोशनल पैराग्राफ, आपने कोई किताब पढ़ी, ठीक है, उसमें एक खूबसूरत इमोशनल पैराग्राफ है और आपके अंदर एक फीलिंग खुद ब खुद निकली है, जब तक वो फीलिंग आप निकाल के नहीं दोगे व्यूअर के अंदर से, यू हैव फेल्ड एज एन एक्टर। इफ यू डिडंट गेट एनी फीलिंग फ्रॉम रीडिंग सच अ स्क्रिप्ट, यू हैव नो बिजनेस बीइंग वेयर यू आर। सो यू थिंक गो होम, डू समथिंग एल्स। ओके, सो आप कह रही हैं कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ें तो आपको कोई फीलिंग आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो फिर एक्टर नहीं है आप। नहीं है। चलिए भाई, ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी वरना भी ज़बरदस्ती फीलिंग डालें और उसको करें फिर। देखें, स्क्रिप्ट एक कमाल चीज़ है। वो आप कुछ ना कुछ फीलिंग आनी चाहिए। हाँ, स्टोरी टेलिंग एक कमाल चीज़ है, बिकॉज आपकी इमेजिनेशन और वो लाइन्स, वो सीन मिल के आपके दिमाग में बनाते ही बनाते हैं कुछ। सही बात। किताब अभी भी किसी भी चीज़ से ज़्यादा बड़ी है ना, क्योंकि जो आप और किताब मिल के क्रिएट करते हैं वो तो किसी का बाप भी रील पे उतार नहीं सकता। वो इंसान भी जो कि इस काम का माहिर तरीन इंसान है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी ही सोच को उस खूबसूरत, उस परफेक्शन, हाँ कोई और लव भी, उस टोटेलिटी के साथ है ना, नहीं निकाल सकता। उसको पता है, उसको पता है। बट लेकिन आप उसको क्या कहेंगी जो आजकल ब्रांड्स और व्यूअर्स जो हैं वो सिर्फ आजकल लुक्स पे जाते हैं, बहुत दफ़ा टैलेंट शायद कहीं पीछे रह जाता है, इससे बहुत से एग्जांपल्स हम देखते हैं, उसको क्या कहेंगी आप? और कितनी देर आपको लगता है सर्वाइव करेंगे हम ऐसे? बिल्कुल भी नहीं, हम बदलेंगे चीज़ों को, क्योंकि ये गलत है। जो गलत है वो आज ये, हाँ, क्योंकि आज सर्टेन नंबर्स आई सी, मुझे तो चेंज नहीं नजर आता उन नंबर्स के सामने। बदलेगा, बदलेगा। आपने देखा ना कि कैसे बदली चीजें। अभी आपने इस हफ्ते दो नए ड्रामे देखे, ठीक है, आप उसको रिव्यू करेंगी, मैंने उसको रिव्यू किया है, जर्द पत्तों का बन और जेंटलमैन। जहाँ मेकअप गलत लगा है वहाँ हर किसी ने पॉइंट आउट किया है, ठीक। सो अगर कोई लेसर सेंसिबिलिटी या बहुत ही यू नो चलते फिरते देखने वाले लोग उस बारे में नहीं सोचना चाहते, तो वो वाले व्यूअर हैं नहीं जिनको आपको टारगेट करना चाहिए। आपको तो सेंसिबल व्यूअर को टारगेट करना है ना। तो जिनके पास सेंसिबिलिटी है, काम बनाया उन्हीं के लिए जाता है, जो आपको चैलेंज करें, जिनसे आप चैलेंज हों, जो आप के लिए चैलेंजिंग हो। सो चीज़ें बदलेंगी। दुनिया का काम ऐसा क्यों है जैसा है? क्योंकि लोग रूल करते हैं, लोग पैटर्न सेट करते हैं, व्यूअर्स ही करते हैं। सो हम भी करेंगे, वी गोइंग देयर, विल गेट इट डन। चलें, अल्लाह करे, यस वी विल। बहुत से सीनियर एक्टर्स को हम अक्सर देखते हैं, वो स्टेटमेंट्स देते हैं
कभी इनकरेजिंग भी होती हैं, कभी इनकरेजिंग नहीं भी होती हैं, फिर उन पर बहुत से रिएक्शंस भी आते हैं. आपका इस पर क्या व्यू होगा? जैसे कि देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, बीइंग अ सीनियर एक्टर, क्या आपको कोई भी ऐसा कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए जो बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, जो एक कॉन्वर्सेशन इन द रॉन्ग डायरेक्शन कर सकता है, आपको लगता है, या यू थिंक के नहीं, सीनियर एक्टर हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वुड यू से इज मोर इम्पॉर्टेंट देन किस किस्म का एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं? देखो, एक तो बात ये है कि सीनियर जो भी कोई है वो किस काम पे कमेंट कर रहा है, ठीक है? अगर वो आपके क्राफ्ट पे कमेंट कर रहा है तो बहुत सोच समझ के करें, बिकॉज सिर्फ कमेंट कर देना इज़ नॉट इनफ. देन वही बात है ना, आपने सिर्फ क्वेश्चन रेज किया है ना, अगला जवाब मांगेगा आपसे कि ये आपने क्यों किया, आपने ये बात क्यों की, बताएं मुझे क्या गलती थी मेरी. सो आपके पास जवाब होने चाहिए. अगर आपके पास जवाब नहीं है तो फिर आपका सवाल करने का या पॉइंट आउट करने का किसी के लिए भी कोई राइट नहीं है. इस काम में, मेरे काम में, जैसे सीनियर्स जो हैं वो ऐसे ही हैं जैसे हमारे घर में बड़े, क्योंकि हमने भी अपने सीनियर्स से ही सीखा. आपको पता है हमारे पास तो कोई ट्रेनिंग ग्राउंड्स आज तक भी नहीं है, आज के बच्चे के पास भी नहीं है. दे डूइंग फाइन, दे डूइंग अमेजिंग जॉब्स, मगर वो सब सेल्फ टॉट हैं. इसी तरह हम थे, और हमारे सिखाने वाले हमारे फ्रेटर्निटी के बड़े थे, उनका काम था. कई दफ़ा उन्होंने ऐसे भी बोल के भी सिखाया, कई दफ़ा अपने काम से सिखाया. सो आज भी अगर कोई बड़ा किसी को सिखाने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए कोई बात करता है, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें जिसमें वो कह रहा है, अनलेस कि वो कह ही किसी गलत पैराए में रहा है, फिर आप बेशक जवाब दीजिए. अब आप लोग माशाल्लाह से एक क्या ड्रामा है, बड़ा इंटरेस्टिंग चलता है, आप लोग सब रिव्यू करते हैं, लेकिन फ्रेटर्निटी में बहुत से लोग उससे खुश नहीं भी हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? आपको लगता है फेयर है कि अगर लोग कहते हैं कि आप फ्रेटर्निटी से बिलोंग करके आप लोग क्रिटिक बन गए हैं, आप लोगों को तो पता है कि क्या एफर्ट, क्या इसमें भाग दौड़ लगती है, फिर जब आप लोग कोई बात रेस करते हैं तो शायद मुझसे ज़्यादा आपकी बात शायद उन लोगों को ज़्यादा दिल पे जाके लगती है. एनी थिंग डेट यू वॉन्ट टू से, बिकॉज मैं ये चीज़ें बहुत सुनती आ रही हूँ, हमने देखा भी है और सब कुछ भी है. मुझे लगा आज आप मेरे सामने हैं तो पे कॉन्वर्सेशन की जा सकती है कि आपका क्या व्यू है इस चीज़ पे. व्हेन वी स्टार्टेड दिस शो, व्हेन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ द शो, हमें पता था ये होगा. अच्छा, आपको पता था? हाँ, एक्टर्स की तरफ से क्रिटिकल एनालिसिस इससे पहले कभी नहीं हुआ. बट दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द आइडिया. व्हेन दे गॉट इन टच विद मी एंड सेड ऐसा एक शो हम सोच रहे हैं, आई डिडंट इवन आस्क इफ आई एम गोइंग टू गेट पेड. ओके. I said, this is something that I've been dying to do. Okay. This is the need of the times. This is something that should have started long ago. Okay. कि आपकी fraternity में कोई ऐसा बंदा जो हर रोज जिसको जाना है और जाके आप ही लोगों के साथ सेट पे काम भी करना है, वो अपना opinion नहीं, technical right और wrong के बारे में बात करें. और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें कि मैं क्वेश्चन होऊंगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन होऊंगी, ठीक है ना, कल जब मैं जाऊंगी सेट पे तो ये सारे मुझसे पूछेंगे, हो सकता है कभी मुझे दोबारा काम पे भी ना बुलाएं, इतने ही ऑफेंड हो जाएं. सही बात है. ये सब हमारे दिल में था. और हमें पता था होगा और हुआ ऑन डिफरेंट लेवल्स, एंड एड्रेस भी किया हमने. जैसे मुकर्रम ने कहा कि क्रिकेटर्स जो एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो क्रिकेट के फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वो बैठ के बताते हैं कि इसकी गेम में ये गड़बड़ है और इसकी गेम में ये है और इसको ये करेक्शन करनी है और हम इस वक्त इसलिए पीछे हैं. सो क्यों बताते हैं? बिकॉज देव बीन देयर, देव डन दैट, दे कमिंग फ्रॉम विद इन दैट, उसी जगह से आए हैं वो. सो हम भी वही लोग हैं. मेरा ख्याल है कि शायद टेक्निकली आप और मैं जब किसी भी एक चीज़ पे, ड्रामे की किसी एक गलती पे बात करेंगे, तो मुझे ज़्यादा पता होगा कि ये गलती ठीक है कि उस दिन तबाही थी, वो वाला एक्टर बीमार था, फिर भी जायज़ है कि ना जायज़ है, yeah.
है ना. सो हाँ, हमें पता है कि ये कितना मुश्किल काम है, हमें पता है कि इसके करने वाले कितनी मेहनत करते हैं, मगर देखने वाले को जो चाहिए है वो उसको देना भी हमारा फर्ज है. सो हम तो उस पर बात करते हैं कि आप एंड प्रोडक्ट में जो खामियां रह गई हैं वो ये हैं, ये ईजिली फिक्सेबल थी, यू शुड हैव फिक्स्ड देम. आपको लगता है फ्रेटर्निटी का नाराज होना, कुछ लोगों का अगर नाराज होते हैं वो जस्टिफाइड है या? मैं तो कहती हूँ क्वेश्चन है ना, आने दो. यस प्लीज आस्क, थ्रो क्वेश्चंस एट अस, हमसे नाराज हो, हमसे पूछे कि क्यों कर रहे हैं, क्यों की ये बात. सो यू वांट टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन? हां, व्हाई नॉट. इसी तरीके यही तो चाहिए है इस वक्त आपके ड्रामे को, कन्वर्सेशन. डिक्टेटरशिप से निकलना, सिर्फ चंद लोगों का बैठ के ये तय कर लेना कि ये बेहतरीन स्क्रिप्ट है, गो अहेड प्रोड्यूस दिस, ये बेहतरीन ड्रामा है क्योंकि इस पे व्यूज आ गए हैं. कम है, देखने वाले बहुत बड़ी फोर्स हैं. सही बात, उनका व्यू मैटर करता है. उनका व्यू शेप होना मैटर करता है. सिर्फ होना मैटर नहीं करता, उनका व्यू शेप करने के लिए हम आए हैं. आपके दिल में है ना कि अच्छा ये लड़की सो के उठी थी तो इसने लिपस्टिक क्यों लगाई थी. देखो रूबीना ने भी यही कहा. सी, अगर ये कह रही हैं तो ठीक है, देखा मैंने भी सही सोचा था. कितनी दफ़ा आपको कोई बात किसी ड्रामे में समझ नहीं आती, एंड देन समबडी हुज अ क्रिटिक, हुज अ क्रिटिक, हुज बीन अ पार्ट ऑफ द फील्ड, सेज द सेम थिंग, यू से देखा मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था. People, audience can relate to. हम सिर्फ ड्रामे के लोगों को उनकी गलतियाँ पॉइंट आउट नहीं करा रहे, हम अपनी ऑडियंस को भी एजुकेट करना चाहते हैं कि गलत को गलत कहो. सिर्फ फैन फॉलोइंग बिल्कुल आप हों किसी के फैन और आप उसके लिए जान दें बिल्कुल, मगर वो भी जब गलत करे तो फैन का भी में भी इतना दम होना चाहिए कि वो कहे कि हाँ मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, लेकिन ये बात तो रूबीना की सही थी. ये तो लंबा टाइम लगेगा, लगेगा बिल्कुल तो लगेगा, ये बहुत एक सबर आजमा काम है, सबर आजमा काम है ये. तो आपने कहा कि ड्रामे जो होते हैं वो हमारी हिस्ट्री को, हमारी कल्चर को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, एंड इतनी अच्छी वाला, लाइक सुबह ना हम ऑफिस में, मैं जब सवाल लेकर आती हूँ तो आई समटाइम्स डिस्कस इट विद माय टीम, और मैं कही थी कि हाँ मुझे याद है कि तन्हाइयों के ज़माने में टीजीएस होता था, तो आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरह के कपड़े पहने जाते थे. इतनी सिंपल सी एग्जांपल है, यू नो. और आज मैं देखूँ तो हमारे यहाँ मंटो पहना जाता है ड्रामों में, फ्रॉड में सबा कमर वोर मंटो थ्रू आउट, यू नो, इस तरह. अब और भी बहुत से ब्रांड्स का आप नाम ले सकते हैं, तो आपको पता चल रहा है कि उस वक्त उस ज़माने में ये चीज़ें थी या ये कपड़े, ये स्टाइल था. लेकिन ये This is how important your dramas are, you know. वो आपकी representation है in at so many levels. लेकिन ये responsibility या ये ख्याल हमारी आज की industry में क्यों नहीं है? From production house to actors, ये thought क्यों missing है? क्या हमें उनको एहसास दिलाने की ज़रूरत है, आप जैसे लोगों को और बोलने की ज़रूरत है, या अपने दायरे में इतना घूमते हैं? What is the reason behind it? If you have any view on this. बहुत कमाल लोग हैं जो कि ये काम चला रहे हैं ऑन डिफरेंट लेवल्स, और उनको बिल्कुल पता है कि किसी भी वक्त का आर्ट ही, चाहे वो फिल्म हो या टेलीविज़न हो या पेंटिंग्स हो या म्यूज़िक हो या और कोई भी फॉर्म ऑफ बुक्स हो, वो बताता है उस ज़माने, वो एक तरह से डॉक्यूमेंट करता है. बिल्कुल. सो उनको बिल्कुल पता है, और सिर्फ वो ज़रा मटेरियल्स का ज़माना है ना. आज सुबह आपका जो इंटरव्यू मैंने सुना था उसमें आप लोगों ने यही बात की कि हमने एक बहुत बड़ी गलती जो पिछले दो डेकेड्स में की है वो ये है कि हमने मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है, और जो असल मीनिंगफुल चीज़ें हैं उनकी इम्पोर्टेंस को बहुत ब्रूटली, बहुत जानबूझ के डिमीन किया है, कम किया है. गलत किया है क्योंकि दुनिया ये नहीं कर रही. एग्जैक्टली. और रहना दुनिया में है, वी गेट एजुकेटेड, एक दिन आंखें खोलनी पड़ेंगी.
और मिलना पड़ेगा दुनिया के साथ जब नेटफ्लिक्स पे भी जाना होगा और फिर यू नो दुनिया के साथ कदम मिलाने का वक्त आएगा. सो आंखें तो खोलनी पड़ेंगी. ओके, सो आप कह रही हैं कि कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा बोलने का भी, बिकॉज ये पता है बात, लेकिन फिर भी हम इस पर अमल नहीं कर रहे. हाँ, पता है, सबको पता है, बट दुनिया ऐसे ही चलती है. ये ऐसे ही क्या होगा जो लोगों को धचका देगा और लोग उठेंगे और बाकी ये चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी, अगर अभी तक नहीं हुई इतने सालों से तो. अच्छा काम देगा धचका, आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आएगा और लोगों को दिखेगा और फिर लोग बताएंगे कि इस ये है. टॉप 5 क्या हैं आपके पास इस वक्त? वही जो आपको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है और यूट्यूब पे हाईएस्ट रेटेड है, मिसेज एंड मिस्टर शमीर, जेंटलमैन होपफुली, एंड जैद पत्तों का बान इंशाल्लाह, एंड और भी यू नो और उससे थोड़े एक लेवल नीचे आके. सो टॉप के प्लेस तो सबके लिए बराबर हैं और वो हैं जो कि जिनमें के गलतियां बहुत कम हैं. सो वी आर गोइंग देयर, विल गेट देयर. आपकी अरेंज मैरिज थी जी? उस वक्त सोचा था मैं शादी के बाद भी कंटिन्यू करूंगी काम? तो ऑफ कोर्स, हाँ हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं काम कर रही थी ना. सो सोचा भी नहीं था, पता ही था. सोचने की ज़रूरत नहीं थी. तो ये तो मुझे पता, उन्होंने ड्रामे में देखा था और फिर उन्होंने अपनी फैमिली से बात की, दे ऑल ओके एंड दे केम एंड प्रपोज. आपका क्या रिएक्शन था? आप मिली, कैसे मिली, क्या हुआ? It was a totally arranged thing for me. तो जब हो गई बात आपस में सबकी, तो फिर हमें कहा कि मिल लो, बेशक मिलना है तो देखा ज़रूर एक दूसरे को हमने. और फिर उसके बाद जब तय हो गया तो सोचा कि ये ठीक है, क्योंकि वही बात है ना, फिर आप अपने लिए सोचते हैं कि इसमें गलत क्या है और सही क्या है. तो गलत कम था और सही ज़्यादा था, बिकॉज देर वॉज हे वॉज दिस वन पर्सन हैड ऑलरेडी सीन मी वर्किंग, हैड नो इशू विद मी वर्किंग, एंड आई एम अ हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन, ऑलवेज बीन, दैट्स हाउ आई बीन रेज्ड. सो उसको पता है वो ठीक है इस सब के साथ, तो बस फिर तो आगे आगे जो करना है मैंने करना है. तो माशाल्लाह से इतने 35 ईयर्स, 31 ईयर, नहीं मोर, या आई थिंक 35 से भी ज़्यादा, 35 राइट, माशाल्लाह इतने माशाल्लाह से इतने अच्छे खूबसूरत साल. तो क्या दो तीन चीज़ें हैं जो आप आज के यंग जनरेशन के कपल्स को बोलेंगी टू होल्ड ऑन टू देम? बिकॉज 35 ईयर्स लाइफ गोज थ्रू चैलेंजेस, रिलेशनशिप्स चेंज होती हैं, रिलेशनशिप्स गो थ्रू चैलेंजेस, यू नो उनकी शेप चेंज होती है. क्या दो तीन चीज़ें हैं जो होल्ड ऑन करनी चाहिए एज अ कपल और एज इंडिविजुअल्स इन अ रिलेशनशिप? अपनी ग्राउंड, बट देन यू हैव टू हैव अ वेरी सेन सेंसिबिलिटी ऑफ व्हाट ग्राउंड यू हैव चोजन फॉर योरसेल्फ. ठीक है ना, आपने अपनी ग्राउंड स्टैंड कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी, आपने कौन सी जगह पे लेट गो करना है और कौन सी जगह पे क्वीन लेना है, बैग नहीं छोड़ना है ना. और यू सी, यू हैव टू पिक योर बैटल्स केयरफुली. मैं हमेशा कहती हूँ शादी के पहले चंद साल आपको देना होते हैं शादी को, समझनी होती है एक दूसरे की नीड्स, एक दूसरे की ज़रूरतें, दोनों को, नॉट टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स ओनली. और जो सही चीज़ें हो दूसरे की उस पे उसको आसानी देने की ज़रूरत होती है, और जो गलत होती हैं उन पे स्टैंड लेना होता है. और फिर अगर लगे कि हाँ ये प्रोसेस जो है ये चल सकता है, हम दो लोग मिलके चला सकते हैं, लड़के झगड़ के, कभी नाराज़ हो के, कभी यू नो रुस के मना के, तो चलती रहेगी बात. क्योंकि कोई भी शादी दूसरी शादी से मुख्तलिफ नहीं है, हर शादी एक जैसी है. अगर आपको कोई कहता है कि वो मेरी शादी तो दुनिया की बेहतरीन शादी है और मेरा मियाँ दुनिया का बेहतरीन अच्छा है बंदा है, मेरा मियाँ दुनिया का बेहतरीन इंसान है और मैं ये और मैं वो, यहाँ तो वो बहुत नाखुश है और झूठ बोल रहा है.
या वो बहुत अच्छा इंसान है और वो खुश रहने का फन जानता है. ओनली दीज टू थिंग्स. एंड आप तीसरे मिनट में फिगर आउट कर लोगे कि वो इन दोनों में से क्या है, झूठा या बेहतरीन. सही. तो सारी शादियां एक जैसी हैं, उनको चलाने का तरीका एक ही है, उनका एंड रिजल्ट एक ही है. वो कितनी अच्छी आपने बनाई है वो सिर्फ ये बताता है कि आप कितने बड़े विनर हैं. जब कोई बहुत रफ पैच आ जाए, क्या, हाउ टू गो थ्रू दैट? हाँ, कुछ शादियाँ ऐसी हैं जो कि गलत हैं, जो कि जैसे मैंने कहा ना, जिसमें आप पहले कुछ अरसे में ही ये फिगर आउट कर लेते हो कि ना मैं इसकी गलत चीज़ों को सही कर सकूँगी या कर सकूँगा, ना मैं इसको कभी समझा सकूँगी. सो दैट इज़ व्हेन यू जस्ट नीड टू टेक अ ब्रीदर, थिंक फॉर योर सेल्फ एंड डिसाइड टू मूव ऑन. वो तो बिल्कुल सही बात है आपकी. देयर टाइम्स और देयर सिचुएशंस जिस पे मस्ट है कि नो, बस अब तो इस पे ख़त्म, आप रास्ता अलहदा करें. लेकिन कभी कभी एक कपल है, साथ रहना चाहता है, लेकिन एक रफ पैच आया हुआ है एंड दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट. आई नो इट्स अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन और वो सिचुएशन और लोगों पे भी डिपेंड करता है, बट जनरली इफ़ यू लुक बैक एंड आप सोचें कि हाँ कभी ये टाइम आया था जब इतना रफ पैच हुआ था एंड आई डिड दिस टू गो थ्रू, यू नो. तो व्हाट आर द टू थ्री थिंग्स दैट यू वुड से के आप एज वुमेन एज कपल आप देख सकते हैं? वही जो मैंने पहले किसी और सिचुएशन में कही थी, क्वेश्चन योरसेल्फ. क्वेश्चन योरसेल्फ. यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ. यू क्वेश्चन योरसेल्फ अबाउट व्हाट? कि क्या आप सही हैं, क्या मैं सही हूं या ये सही है, या ये वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. दैट आल्सो, वो भी आएगा लेटर. इस सिचुएशन में हम दोनों में से सही कौन है? ठीक है, आपको लगेगा मैं सही हूँ क्योंकि मैं जो भी मांग रही हूँ इस इंसान से वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरी पूरी फैमिली की वेलबींग के लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, हमारे आगे बढ़ने के लिए है एज अ फैमिली. सो इस वक्त मुझे इसको समझना है ना. और आप पूरी कोशिश करोगे उस इंसान को समझाने की कि जो मैं मांग रही हूँ वो तुम्हारे लिए भी ठीक है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है. शादी में बहुत सारी जगह ऐसी आती हैं, और हमारे ज़माने में तो बहुत ही आती थी. अब तो खैर बच्चे बहुत ज़्यादा बेहतर दिमाग वाले अक्लमंद हैं क्योंकि ससुरालों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता था उस ज़माने में. जो हमारे ड्रामों में अभी तक चल रहा है, और क्योंकि लोग अभी तक वैसे हैं कहीं ना कहीं, तो वो होल्ड रखना चाहते थे अपने बेटों पर. और ये डिलेमा अभी तक भी ऑन गोइंग है ना हमारी सोसाइटी में से. जब निकलेगा तो शायद वो सास बहू वाला ड्रामा खत्म हो जाए, सक्सेसफुली हम निकाल सके, खिड़की से बाहर फेंके. तो वहाँ बहुएं बहुत पिसी हैं क्योंकि उनको उनके वो जायज़ हकूक भी नहीं मिलते थे क्योंकि बहुत प्रेशर होता था फैमिली का. बट निकाला है बहुत सारी लड़कियों ने अपने समझा के अपने हस्बैंड्स को उस जगह से, और बताया है कि अब ये है तुम्हारा घर, वो है तुम्हारी जिम्मेदारी, इस घर की सारी जिम्मेदारी पूरी कर लो, उसके बाद अगर तुम उनको कुछ देते हो मसला नहीं है. और अगर इस घर की जिम्मेदारी को छोड़ के तुम किसी को दे रहे हो, क्योंकि हुक्म तो अल्लाह का भी यही है ना कि ये औरत जो आई है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका इसकी तमाम तरह से इमोशनली एंड मॉनिटरली मेंटली देखभाल करना और उस आदमी का घर चलाना इस औरत की जिम्मेदारी है. सो दोनों को एग्जैक्टली बता दिया और हम समझते हैं कि बिल्कुल ठीक बताया था, क्योंकि हम कहीं भी दुनिया के किसी भी माशरे में देखते हैं तो हम समझते हैं कि तरीका यही रहेगा हमेशा. आप काम करेंगी, ये आपकी आपका चॉइस है ना. आप नहीं करेंगी और आपका मियाँ जो भी ला के रख रहा है आपकी हथेली पे, उसी में आप घर चलाएंगी. खुशी खुशी चल भी जा रहे हैं, चलते भी हैं, हमारे बहुत से घर हैं इस वक्त जो चल रहे हैं ऐसे, तो भी आपकी चॉइस है. लेकिन अगर आप काम करेंगी तो ये घर फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. आप शुक्रिया करेंगी उस आदमी का जिसने आपको इजाज़त दे दी काम करने की. हालांकि हम उसको इजाज़त कहना अब थोड़ा सा गलत समझते हैं, मगर रियलिटी यही है. हाँ, लेकिन एक रियलिटी ये है कि वो कह रहा है आप करें काम, लेकिन जब वो आपको सवाल करेगा
कि खाना क्यों नहीं बना, तो जवाब देना पड़ेगा, या कि सफाई क्यों नहीं हुई, तो उसका हक है. सो हाउ डू यू बैलेंस बीइंग इंडिपेंडेंट एंड हैविंग, हाउ डू आई से इट, आई डोंट वांट टू से, उसको वर्ड कैसे करना चाहिए, हाउ डू यू बैलेंस के आप इंडिपेंडेंट भी हैं लेकिन आप अपने हस्बैंड की भी सारी बातें सुन रही हैं, या वहाँ पे भी मैनेजमेंट आपकी सही चल रही है, या उनकी रिलेशनशिप आपके साथ ऐसी नहीं है कि उनको लगे कि आप रिबेल हैं, हाउ डू यू मैनेज दैट जनरली? यू हैव टू कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ एट ऑल टाइम्स, सिचुएशन टू सिचुएशन. हाँ, सिचुएशन टू सिचुएशन आपको ये अपने आप से सवाल करना है कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, मेरे बच्चे सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, मेरे वेलविशर्स सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, किसी ने कह दिया आपको कि ये जो भी आप कर रही हैं ये गलत है, तो आपको सोचना है, अपने आप से सवाल करना हर मुश्किल का हल है, सही जवाब तक पहुंचना. इफ आई मे आस्क, अगर आपको सही लगे, आपको फेस करनी पड़ी ऐसे सिचुएशंस जब लोग आके बोल रहे हो कि क्या कर रही हो, यू नो यू बीइंग टू स्ट्रांग हेडेड और स्टफ लाइक दैट? आपके बच्चे कह देते हैं आपको. अच्छा? आपके बच्चे कहते हैं अम्मा डोंट बी लाइक दैट, यू बीइंग मीन टू अ बाबा. अब वो बच्चा है ना, उसको तो नहीं पता दैट आई एम नॉट बीइंग मीन, आई एम जस्ट मेड अ पॉइंट, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट एंड वी गेटिंग एन इनटू एन आर्ग्यूमेंट. हैपेंस इन एवरी मैरिज. ये मेरी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है कि कभी वो कोई एक बात करें और मेरा दिमाग उड़ जाए और मैं कहूँ कि क्या ये तो नहीं हो सकता, अभी ऐसे थोड़े ही है कि कल ही हम यू नो आए हैं बाहर से और परसों हम खाना कर लें किसी का, काइंड ऑफ सिचुएशन, एज सिंपल एज दैट. एंड देन योर चिल्ड्रन क्वेश्चन यू एंड दे क्वेश्चन मदर्स मोर देन दे क्वेश्चन देयर फादर्स, क्योंकि बाप एक खामोश तमाशाई है ना ज़्यादातर घर में, जो सुबह से तो दिख ही नहीं रहा, फिर आया तो अपना टीवी या एक ज़माने में अखबार होता था, तो बच्चों को लग रहा ये तो इतने मासूम हैं, फिर वही बच्चे जब अपनी शादियों में जाते हैं तो कहते हैं अम्मा हाउ डिड यू कोप, हाउ डिड यू, ये दिस आई नाउ आई अंडरस्टैंड. सो ऐसे ही है. हाउ मच आर यू मिसिंग मिना? I don't miss her. I just talk to her every day. ये ना वही off camera भी बात हुई. मैंने इतने उससे पूछा, मैंने कहा you're missing Mina so much. मैं तो miss नहीं करी. मैंने कहा really? I was shocked. नहीं, she is just in Dubai. कहीं भी होती तो मैं यही कहती she is just in Antarctica. मैं आप दोनों की माशाल्लाह से जब भी वो picture देखती हूँ, आप जो भी मुझे interaction नजर आता है ना, I just like I really really like feel this bond between the two of you. You know, which is a bond of friendship and you know understanding and main bada admire karti hu aap dono ke is bond ko. Kya aap bolengi kis tarike se aapne ye bond manage kiya hai? Because mujhe lagta hai mothers ke liye bada challenge hota hai ki wo achhi bhi rahe, dost bhi rahe, lekin wo discipline bhi kar rahi hu, you know, strict bhi ho. Mere liye to Allah Mian ne kiya hai ye manage. Acha, main aur Mina wo do maa betiyan the jo har waqt behas karte the har baat pe. इतना लड़ते थे कि कोई हम आई टू आई किसी एक चीज़ पे देखते नहीं थे. और ये कितने साल तक की आप बात कर रही हैं? अभी चार साल पहले तक की मैं बात कर रही हूँ. हाँ तो चार साल ना. That's when COVID happened. Oh okay. And she saw that she was going to lose me. Oh. And it changed her totally. See. सारा कुछ हम खुद थोड़ी करते हैं. हर चीज़ का एक वक्त होता है. एंड थिंग्स हैव बीन डिफरेंट सिंस देन. वी टोटली टू डिफरेंट पीपल. वी हैव लव्ड ईच अदर ऑफ कोर्स. तो वो यू नो बट बस होता है क्योंकि एक मोटा बच्चा थी मैं ना. एक्चुअली 76 केजीज, लॉट ऑफ वेट. और एक माँ थी जो हर वक्त पीछे पड़ी कुछ भी कहती थी और आखिरी बात ये होती थी बेटे प्लीज़ ये क्या खा रही हो. और एक बच्चा था जिसको यही नहीं सुनना था. हैपनिंग टू सो मैनी ऑफ अस. और बस बहस थी, तकरार थी. और फिर कोविड आ गया. एंड शी थॉट शी वाज गोइंग टू लूज मी एंड शी रियलाइज दैट ये तो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. सो एंड आई डोंट नो कोविड से पहले खैर भी चेंज आ गया था उसमें बिकॉज हमारा हमने मीना का वेट लॉस रिजीम मैंने और मीना ने इकट्ठी की थी. आई ऑल्सो
went and did the blue dot keto मीना के साथ, और क्योंकि अच्छा था कि दोनों इकट्ठे हमने इकट्ठा किया. सो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदली, एक वक्त आता है, बट यू नो बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ कि अगर ये एक ही जैसी रहेगी ना, अगर मैं और मीना हमेशा से ऐसे होते तो शायद ये अच्छा मुझे पता ही ना चलता. तो आप टीनेजर डॉटर्स की जो मदर्स हैं उनको होप दे रही हैं कि थोड़े अरसे में चीज़ें चेंज हो जाएंगी. नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जब तक अच्छा और बुरा ज़िंदगी में साथ साथ नहीं होंगे तो ना आपको बुरे की से बचने का तरीका समझ आएगा, ना आपको अच्छे की कदर आएगी. लेकिन अगर इफ़ यू लुक बैक नाउ एट दैट टाइम जब आप और मेरा आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे थे, एनी थिंग दैट यू फील दैट मे बी जो मदर्स इस वक्त इस स्टेज से गुजर रही हैं वो चेंज कर सकती हैं या वो कॉशन हो सकती हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें तो, या आपको लगता है नहीं ये प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है? मैं समझती हूँ कि एज मदर्स आप और मैं और बाकी सारी माएँ हम वो करते हैं जो हमें उस वक्त सही लग रहा होता है, है ना. हमारे पास कोई और चॉइस होती नहीं है सवाए इसके कि ये सिचुएशन है, ये इस वक्त गड़बड़ है मेरे बच्चे की ज़िंदगी में और मैं इसको ऐसे टैकल करती हूँ. फिर वो आप फेल हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं होते हैं, बहुत दफ़ा होते हैं, एक दफ़ा थोड़ी होते हैं. फिर आप कहते हैं अच्छा अब मैं इसको ऐसे टैकल करके देखती हूँ. सो यू कीप टैकलिंग, यू डोंट लेट इट गो. दैट इज़ योर जॉब एज अ पेरेंट. यू कीप चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी, यू कीप सीकिंग हेल्प ऑफ द पीपल यू हैव अराउंड यू कि ये अब ये हो रहा है भाई, ये तो अब ये है मसला. सो वो बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू हैव अ सेट ऑफ पीपल जो कि आपको बिल्कुल ऑनेस्ट मशवरा दें और आप सुने उनकी, और आप मगर क्वेश्चन आपने फिर भी अपने आप को ही करना है इवेंचुअली. और फिर आप ये सब करते रहें, जो होना है वो होगा, अपने वक्त पे होगा, सब्र के साथ अपना काम करते रहें. चलें भैया आप लोग सब्र के घूंट पीते रहें, सब्र के साथ अपना काम करते रहें और खुश रहें और अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करें. बिकॉज बच्चों ने अपनी ही जिंदगियों से सीखना है, अपने टाइम पर सीखना है, अपने ही किसी चीज़ से अपनी अवेकनिंग लेनी है. हम उनकी ज़िंदगी उनके लिए जी नहीं सकते. दैट इज़ सो ट्रू. या बट कोविड हुआ, आप इतना ज़्यादा बीमार हो गई थी, यू नो जब आप इतने मुश्किल से गुजर रही हूँ, आई वुड से जब इतने करीब से आप देख रही हूँ कि शायद सर्वाइवल मुश्किल हो, हाउ डज़ इट चेंज यू? उसके बाद ज़िंदगी में पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है? उसके बाद जो सबसे कमाल एंड सॉरी अगेन, अगर आप करना चाहें आंसर इस चीज़ को, सॉरी ये सवाल मुझे अभी आ रहे हैं तो मैंने बाद में पूछा नहीं, वरना मैं यूजुअली परमिशन ले लेती हूँ, तो इसीलिए मैं अभी ऑन कैमरा लाइक उस सब जहन में क्या चल रहा होता है आपके जब आप इस किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपके लव्ड वन आपके आस पास हों? When I was कोविड से पहले मुझे लगता था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आज मैं इस दुनिया से चली जाऊँ. बिकॉज मुझे लगता था कि मैंने जो जो कुछ करना था ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है एंड ओके फाइन आई कैन गो. बट वेन आई वॉज ऑन दैट बेड विच इज़ कॉल्ड द डेथ बेड, दैट इज़ वेन आई रियलाइज़ कि मुझे ज़िंदगी कितनी प्यारी है और ज़िंदगी कितनी खूबसूरत चीज़ है और मैं कौन हूँ ये सोचने भी एक सेकेंड के लिए भी ये सोचने वाली कि अच्छा तो ठीक है, यू नो आई हैव डन माई बिट, मुझे क्या पता वेदर जो मैं जो मुझसे एक्सपेक्टेड है वो अभी तो अभी मेरी तरफ आया ही नहीं है. मुझे क्या पता अभी मेरे कितने काम रह गए हैं. आई हैव नो क्लू. So that and the fact that I didn't even know that you had to be grateful to God for the air that you breathe. Seriously, हमें ये पता ही नहीं था कि ऑक्सीजन कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. दुनिया में लोग ओजोन लेयर के बारे में बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हाँ ठीक है चलो ये लोग कर रहे हैं ना, और हम तो वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं. हम तो पोल्यूशन फैला रहे हैं और हम गंदगी कर रहे हैं. हम तो कोई यू नो
एनिमल किंगडम में रह रहे हैं. एंड आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, सांस आ रही है. ये सांस ये मैंने कितनी मुश्किल से पकड़ी है और वापस ली है. सो द पैराडाइम शिफ्ट दैट आई हैड आफ्टर कोविड वाज दैट आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग इन लाइफ नाउ एंड सो थैंकफुल टू गॉड कि मुझे लगता है कि वक्त कम है और इतना कुछ है शुक्र करने के लिए. सो काश मैं जल्दी जल्दी इन सब का शुक्र किसी तरह अदा कर दूं जो अल्लाह ने नेमतें रहमतें मेरी तरफ भेजी हैं. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस बिकॉज आई थिंक ये बढ़िया आपने खूबसूरत बातें की हैं. जो लोग सुन रहे होंगे वही बात ना, जैसे यू सेड कि हमें उस ऑक्सीजन की कदर नहीं है, विच इज़ ट्रू. मुझे नहीं है. अब आपकी बात सुन रही हूँ तो मुझे हिट कर रहा है कि हाँ यू नो. और एक और बात ही मैं आपकी सुन रही थी तो मुझे हिट की कि कभी कभी हम सब अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, हम खुद ले लेते हैं अपने आप को. लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है फिर आपको रियलाइज़ करते हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं अपने आसपास के लोगों के लिए और आपके ना होने या आपके होने से उन पर क्या इम्पैक्ट आता है. एंड दैट चेंजेस अ लॉट ऑफ डिसीजंस इन योर लाइफ. हमने कभी ये रियलाइज़ भी नहीं किया. नाउ आई थिंक अबाउट इट, सब खिड़कियाँ सब दरवाजे हम हर तरफ से बंद रखते हैं अपने घरों में और हम कोशिश करते हैं मिट्टी ना आए, है ना, कोई मच्छर ना आए. हवा है फिर भी सांस आ रही है. तो ये कौन कर रहा है? कोई है जो हमें ऐसे हालात में भी जब हम अपने दुश्मन खुद हैं हमारा दोस्त है. सही बात है. हाँ. बस एक दो सवाल और. जी जी. आपने कहा हीरोइन से एक्टर्स बने हम एक ज़माने में. बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है और आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड एक्चुअली कि आप लोगों ने ये आपने कहा, क्योंकि अक्सर तो पूछते हुए भी अजीब सा लगता है और लाइक शायद लोगों को बोलते हुए भी अजीब सा लगे, लेकिन ये तो एक नेचुरल ट्रांजिशन ऑफ लाइफ एंड प्रोग्रेशन ऑफ वर्क है ना, दैट हैज़ टू बी फेस्ड एंड डेल्ट विद. बट उसका प्रोसेस क्या होता है जब पहली बार आपको रियलाइज़ होता है कि ये जो स्क्रिप्ट अब आया है ये हीरोइन का नहीं, एक एक्टर के लिए आया है, तो क्या मेंटल प्रोसेस से गुजरते हैं? एंड व्हाट वुड यू से टू ऑल दोस एक्टर्स हु आर एट दिस मोमेंट स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट और वो सोच रहे हैं कि वो ये स्टेप कैसे लें, लें ना लें, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? आई थिंक ये भी एक ब्लेसिंग है इफ़ आई मे से सो, क्योंकि ज़िंदगी आपको बदलती है ना जी. एक फेस से, चाइल्डहुड से, एडल्टहुड से, मैच्योरिटी, शादी, बच्चे, रोल बदल गया. ठीक है, वहाँ आपका रोल बदल गया तो आपके दिमाग में तब्दीलियाँ आई हैं. यहाँ आपके पास जो रोल्स आ रहे हैं उसमें भी जब इसी तरह वो रोल बदल के एक दिन माँ का रोल आता है तो आपकी ज़िंदगी में वो रोल आ चुका है पहले से और आपको वो रोल ज़्यादा बड़ा लग रहा है उस रोल से जो आप इससे पहले कर रहे थे, जिसका कोई मकसद नहीं था, ज़िंदगी का मकसद शादी था सिर्फ, रिमेंबर है ना. और अब आप जो काम कर रहे हो इन लाइफ दैट्स वे बिगर देन शादी तक पहुंचना, दैट्स मेकिंग ह्यूमन बीइंग्स. एक आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है. सो वो ट्रांजिशन अगर ज़िंदगी में आ चुका है तो फिर आप अपनी रियल लाइफ में भी शायद आसान होता है आपके लिए लाना, शायद जिनकी ज़िंदगियों में नहीं आता उनके लिए वो ट्रांजिशन थोड़ा सा मुश्किल होता है. सो वो उसको रोकेंगे जब तक के वो रोक सके, क्योंकि वो बहुत आसानी से खुद ही से फ्लो नहीं कर गए ज़िंदगी में फ्रॉम वन रोल टू इनटू अनदर. सो आई थिंक थोड़ा सा देव बिन अ लिटल लेस ब्लेस्ड दैट वे. फिर आप देखते हो उन लोगों की तरफ जो आपसे पहले ये ट्रांजिशन कर चुके हैं और वो कितने हमारे लिए उज़्मा गिलानी थी, वो हु डन दैट ट्रांजिशन एंड सो ब्यूटिफुली यूनिवर्स. अगर आप दुनिया में देखो तो अमिताभ बच्चन है हुज़ डन दैट ट्रांजिशन एंड सो ब्यूटिफुली. मतलब क्या था, क्या गलत किया तब और क्या सही है अब. बट आजकल के लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़?
सब यहाँ है ना, सब यहाँ है, ट्रांजिशन तो यहाँ है, जहाँ हमने हमने मैं कहूँगी एज ऑडियंस भी हमने बहुत सी चीज़ों को स्टेटस सिंबल या बहुत सी चीज़ों को सक्सेस का मीटर बना दिया, इवन दो दे आर नॉट, यू नो आपको क्या रोल ऑफर, क्या आपको क्या रोल ऑफर हुआ है, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस कितनी है, इवन अगर आपके स्क्रिप्ट में जान नहीं है लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस कितनी है, यू नो, और थोड़ी देख लिया है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, फिर भी यू नो हमने भी बहुत से क्राइटेरिया खुद से इन लोगों के इर्द गिर्द एसोसिएट कर दिए. दैट्स स्टुपिडिटी, बिकॉज यू कैन लीड इन अ माइनर रोल. यू कैन, एक माइनर रोल में कोई इंसान आएगा और वो पूरा का पूरा शो ले जाएगा. People have done that. True. So acting बहुत बड़ा काम है. सही बात. सिर्फ अच्छे से कपड़े पहन के, अच्छी सी लिपस्टिक लगा के खूबसूरत लगना थोड़े दिन की एक्टिंग है. और वो भी समझ में बहुत उन लोगों की आएगी जिनकी सोच सतही है, जो समझदार हैं. उनके लिए आपको उससे ज़्यादा कुछ देना ही पड़ेगा. चलिए, मेरी दुआएं आज आपसे इन पर्सन इतनी डिटेल गुफ्तगु करने के बाद कि जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और जिस तसल्ली और जिस इत्मीनान और जिस यू नो ओनरशिप के साथ आज आप ये सारी बातें मुझे कह रही हैं, ये चीज़ हमारी हमारी जो अभी जनरेशन चल रही है एक्टर्स की, उसके अंदर भी अल्लाह डाल दे. क्योंकि उनमें है सम ऑफ देम हु एट द टॉप हु नो व्हाट दे आर ऑल अबाउट, वो ऐसे ही हैं जिनकी तरफ हम देखते हैं, जिनको हम टॉप 10 कहते हैं. और कहते हैं there's a list na, there's always a list, there will always be a list of top 10, top 5. Is waqt hum we lucky that we have 10 at the top. They are these mere people, mere hisab se 5 hai. Chalo abhi ye karte hain baat off camera. Ha, ye karte hain baat. Acha bhai, hum aapka directorial project dobara kab dekh rahe hain? Screen pe to hum aapka dekh rahe hain different, you know, personas mein. I think I've decided against it. Really? Yeah. Why? बिकॉज 5 साल में एक ड्रामा डायरेक्ट करके मैं शायद कोई इतना फ़र्क नहीं डाल रही थी. तो हर साल क्यों नहीं कर रही हैं? बिकॉज दैट्स अ टफ टास्क. ओके. घर के साथ, और घर पहले है सबसे, और फिर दूसरी बात ये कि डायरेक्ट करने के लिए किसी भी ऐसे उस इंसान को जिसको अंदर से डायरेक्शन आती है ना, तो वो अंदर से डायरेक्शन के आने के लिए स्क्रिप्ट में एक फोर्स होती है. वो फोर्स वाला स्क्रिप्ट मेरी तरफ नहीं आया, अभी बन रहे हैं, ठीक है, एंड आई सी देम बीइंग मेड, बट मेरी तरफ नहीं आया. क्योंकि वो शायद समझते हैं कि इनको ज़रा बुरा वाला दो ताकि ये मेहनत करें और अच्छा हो. फिर मैं कहती हूँ इसको मुझे चेंज करने दो, फिर वहाँ वो फंस जाते हैं, तो फिर हम रास्ते बदल लेते हैं. सो आई एम थिंकिंग 5 साल में करके मैं क्या करूँगी, इससे तो अच्छा क्या ड्रामा है. आई जस्ट बिकॉज माई मिशन इन लाइफ इज टू मेक अ डिफरेंस नाउ. बट आई वुड रियली लाइक इट अगर आप डायरेक्शन से दोबारा जाएं. इट वुड बी, चलो मे बी इट वुड बी अ शॉर्ट स्टिंट. हां, इट वुड बी नाइस 6 एपिसोड और समथिंग. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक तो आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह दैट ट्रांसलेट्स इनटू द प्रोजेक्ट जो आप कर रही हैं, तो प्लस फीमेल डायरेक्टर्स हमें चाहिए. हाँ, चाहिए तो हैं, क्योंकि चाहिए तो हैं. आई थिंक दैट्स अ कॉज. चाहिए तो हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इतनी अच्छी आपने इंफॉर्मेशन, इतनी अच्छी मेमोरीज शेयर की हैं. एंड एक्चुअली आई जस्ट वांट टू हैव अनदर सिटिंग जहाँ हम ना सिर्फ PTV के ज़माने की बातें कर रहे हैं, यू नो, वर्किंग विद सायरा काज़मी एंड राहत काज़मी एंड यू नो, बिकॉज आई थिंक उसमें भी कितना इनरिचिंग कॉन्वर्सेशन होगी ना. वो इंशाल्लाह विल डू दैट. सीमी राहील से भी मैंने बात की हुई है, उनसे मुझे लगता है दिल से कभी कभी आप सबको मिला के ले आओ ना. हां, सीरियसली, राउंड टेबल, उफ कितनी मजे की वो कॉन्वर्सेशन होगी. राउंड टेबल, इंशाल्लाह वी विल. या, आई प्लान समथिंग. या, विल डू दैट. बट थैंक यू सो मच वंस अगेन. And we hope to see you as director again very soon. Thank you. You know, in the industry. Yeah, inshallah. Drama to aapke hum dekh hi rahe. So best of luck with everything. Thank you. It was a pleasure being here. Mujhe pata tha mujhe bahut maza aane wala hai aur aaya hai. I hope maine bahut zyada aaye bhai shine na ki ho. Bilkul bhi nahi, kya baat kar rahi hain aap. But it was really a pleasure. It was a very enriching conversation for me at least, you know. And I hope you guys enjoyed it as well. अब अपना बहुत ख्याल रखिए. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.